हम आज तुम्हें भगवान राम की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दशरथ के प्राण कौशल्या सुत की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिनके बस नाम सारे से ही भवतर जाते हैं, हम सब भवतर जाते हैं। उन दुख हरता भगवान राम की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। राजा दशरथ जी के भक्तों नहीं थी कोई संतान, इस बात से राजा दशरथ जी रहते थे बड़े परेशान। राजा एक दिन गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं, जाकर गुरुवर को अपना सारा दुखड़ा सुनाते हैं। गुरुवर बोले, धीरज राखो, हम करते हैं इकरार, तेरे घर जन्मे ये है दशरथ बालक अद्भुत चाल। जाओ पुत्रेष्टि यज्ञ का तुम आयोजन करवाओ, फिर सिंह ऋषि के द्वारा उसको पूर्ण करवाओ। फिर अग्निदेव से दशरथ खीर प्रसाद में पाते हैं, कौशल्या सुमित्रा कह कई ने प्रसाद को खाया है। गर्भवती हुई है रानी, राजा हर्षाया है। वक्त गुजर गया यूं ही समय का पता न चल पाया, राजा दशरथ को चाहत जिसकी शुभ दिन वो आया। सब देवगण आए हुए थे, प्यारी थी बेला, अवधपुरी में लगा हुआ था भक्तों का रेला। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवी तिथि थिया, चारों तरफ थी खुशियां छाई रहे नगाड़े बाए। उसी समय प्रभु ले अवतार घर पर आते हैं, साथ हुए पुत्र चार सब सत्य हुई वाणी। खुशी से झूम रहे थे दशरथ और तीनों रानी। दशरथ के आंगन में चारों ही धाम पधारे हैं, राम के संग में भरत शत्रुघ्न लखन पधारे हैं। चारों बालक अपने अपने खेल दिखाने लगे, तरह तरह की क्रीडाओं से सबको रिझाने लगे। राम की लीला नारी है कोई जान नहीं पाया, जग के पालनहारी को पहचान नहीं पाया। एक
एक दिन राम जी कौशल्या को लीला दिखाते हैं। लिटाती राम को पालन में माँ मंदिर जाती है, मंदिर में प्रभु राम को माता बैठा पाती है। राम को देख वहाँ पर माँ वापस घर आई है, देखा राम को सोया फिर तो माँ घबराई है। यहाँ भी राम है वहाँ भी राम है, कैसी माया है, दो जग है प्रभु राम को देखा दिल घबराया है। माँ की हालत देख मधुर मुस्कान से हंस दिए राम, हे राम तुम्हारी लीला पर बलिहारी चारों धाम। फिर प्रभु माता को अद्भुत से रूप दिखाते हैं, ये रूप दिखा कर राम जी फिर बालक बन जाते हैं। ये बात किसी से ना कहना माँ को समझाते हैं। ठुमक ठुमक कर चलते हैं, पैजनिया बजती हैं, बाल रूप की सारी सृष्टि वंदन करती है। बड़े हुए तो गुरु वशिष्ठ के आश्रम जाते हैं, थोड़े समय में रघुवर सब विद्या पा जाते हैं। शिक्षा पाकर चारों भाई वापस आए हैं, धनुष बाण कांधे पर सबके मन को भाए हैं। नित नए नए प्रभु जी सबको खेल दिखाते हैं। कुछ समय के बाद वहाँ पर विश्वामित्र आए, मुनिवर के आने से राजा दशरथ हर्षाए। दशरथ जी ने मुनिवर का आदर सत्कार किया, बोले मेरे घर आकर तुमने उपकार किया। मुनिवर बोले कुछ दुष्टों का बड़ा सताया हूँ, इसलिए मैं अब राम लखन को लेने आया हूँ। राम में उनके प्राण थे ऐसे कैसे भेज देते, वचन दिया था दशरथ ने फिर ना कैसे कहते। राम लखन को गुरु के संग में भेजे जाते हैं।
रस्ते में मुनिवर ने राम को ताड़ का दिखलाई, क्रोध में भर कर ताड़ का फिर श्री राम की ओर आई। एक बाण से ताड़ का को श्री राम ने मार दिया, दीन जान कर उसको अपने धाम था भेज दिया। निर्भय होकर करिए यज्ञ गुरुवर से कहते हैं, स्वयं धनुष ले रघुवर फिर रखवारी करते हैं। मारीच को एक बाण से सागर पार किया, सुबाहु असुर को अग्नि बाण से राम ने मार दिया। विश्वामित्र के यज्ञ को रघुवर पूर्ण कराते हैं। विश्वामित्र के संग राम मिथिला को चलते हैं, रस्ते में वो अहिल्या का उद्धार भी करते हैं। पहुँच के मिथिला नगर जनक के प्राण जगाए हैं, उनकी चौकट पर प्रभु शुभ चरण लगाए हैं। राम लखन को देख जनक को खुशी हुई भारी, हो गए जनक तो धन्य धन्य घर आए अवतारी। फिर सुबह हुई गुरु पूजा के पुष्प भिलाने थे, गुरुवर को पूजा में भक्तों पुष्प चढ़ाने थे। फूलों को ले ले राम उपवन में आते हैं, सखियों संग सीता आती है। मधुर सुरीली वाणी में गीतों को गाती है। राम सिया ने वहाँ एक दूजे को फिर देख लिया, शक्ति ने शक्ति को अब भक्तों पहचान लिया। फिर मंदिर जा घोरा कासिया ध्यान लगाई है, आशीष राम को पाने की फिर सीता पाई है। फूलों को लाकर गुरुवर के चरणों में दिया, सफल मनोरथ पूर्ण हो ये आशीर्वाद लिया। गुरु के संग में राम प्रभु स्वयंवर में आते हैं। स्वयंवर में बैठे थे सारे के सारे योद्धा, फिर बल पर बैठे थे। फिर भाटों ने राजा जनक के प्रण को सुनाया है, धनुष तोड़ना था वहां पर धनुष दिखाया है। महाराज का कहना है जो धनुष को तोड़ेगा, बीच सभा में सीता से वो नाता जोड़ेगा। बारी बारी आकर राजा जोर लगाते हैं,
मगर धनुष को वो तो जरा ही ला ना पाते हैं। महादेव के धनुष को योद्धा तोड़ न पाते हैं। धनुष किसी से नहीं टूटा तो जनक जी कहते हैं, क्या इस धरती पर अब भगवान योद्धा न रहते हैं। विश्वामित्र जी राम प्रभु को आज्ञा देते हैं, आज्ञा पाकर गुरुवर की प्रभु धनुष उठाते हैं। बातों ही बातों में प्रभु ने डोर चढ़ाई है, एक बार सिया की ओर प्रभु नजर घुमाई है। एक क्षण के अंदर दिव्य धनुष को तोड़ दिया, बीच सभा में सीता से फिर नाता जोड़ लिया। देख सभी के नैना अचरज से भर जाते हैं। सखियों संग आसीता ने माला पहनाई है, देवों ने मिलके राम सिया जय जय बुलाई है। फिर आते हैं परशुराम और आते ही बोले, जिसने तोड़ा है धनुष वो जिव्या को खोले। परशुराम फिर राम प्रभु पर गुस्सा करते हैं, समझाते हैं राम मगर उनकी नहीं सुनते हैं। परशुराम विष्णु के धनुष को राम को देते हैं, धनुआ पर तुम बाण चढ़ाओ राम से कहते हैं। धनुष को लेकर रघुराई फिर बाण चढ़ाते हैं। राम ही नारायण है परशुराम ने जान लिया, जमदग्नि के पुत्र ने रघुवर को पहचान लिया। राम से बोले क्षमा करो प्रभु मैं हूँ अज्ञानी, दीनहीन मैं रघुवर जी और तुम हो वरदानी। मुनि जनक से बोले दूत अवध को भिजवाओ, बारात सहित फिर दशरथ को यहाँ पे बुलवाओ। बारात सहित दशरथ जी आए खुशी हुई भारी, राम लखन को देख के मन की प्यास बुझी सारी। फिर राम लखन को दशरथ अपने गले लगाते हैं।
बन गया मध्य में वेदी सुंदर बनवाई, पुष्पों से फूलों से फिर वो वेदी सजवाई। देव सभी थे आ पहुँचे ये विवाह देखने को, राम का सीता जी के संग में ब्याह को देखने को। जनक ने सीता जी का फिर कन्या दान था किया, रघुराई ने हाथों में सीता का हाथ लिया। भावर पड़ गए आसमान से फूल बरसने लगे, जोर जोर से ढोल नगाड़े बाजे बजने लगे। सभी देवगण राम सिया के गुण को गाते हैं।